न्यू सिद्धि हॉस्पिटल में लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। इटावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कई बार इस बात को अवगत कराया गया कि किसी भी निजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए, पर इटावा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की दया दृष्टि से निजी हॉस्पिटल के संचालन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां पर कई हॉस्पिटल्स के अभी तक नवीनीकरण, पंजीकरण तथा स्टाफ की व्यवस्था तक नहीं। निजी हॉस्पिटल संचालक अपनी मनमानी के चलते मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला रात सामने आया, जहां पीड़ित रामचंद्र पुत्र समर बहादुर निवासी ग्राम बाउथ थाना बलरई का मूल निवासी है। उसके द्वारा अपनी पत्नी भूरी देवी को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया गया था। ज्ञात कराते चले कि महिला पहले दो बच्चे ऑपरेशन द्वारा जन्म दे चुकी थी और तीसरे बच्चे की घर पर प्रसव पीड़ा होने पर गांव की आशा अर्चना द्वारा उसे आईटीआई चौराहे पर सिद्धि हॉस्पिटल में 30/6/2023 दिन में 3:30 के आसपास हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर लालू यादव व उनकी पत्नी बबली यादव द्वारा मरीज का चेकअप किया गया और भूरी देवी को भर्ती कर लिया गया। अगले दिन 1 जुलाई 2023 की रात में लगभग 11 बजे रात को आसपास डॉक्टर लालू यादव और उसकी पत्नी व उनका भाई आशीष यादव तथा स्टाफ द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने पर उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद मरीज के परिवार वालों को बुलाकर मरीज को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर से निकालकर हॉस्पिटल के बाहर कर दिया गया, जिस पर पीड़ित मरीज को आगरा ले जाने के लिए कहा गया। रामचंद्र द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस कर अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगरा लेकर गया, जहां आगरा हॉस्पिटल में बच्ची की जन्म के बाद महिला की मौत हो गई। परिवार वाले मृतक महिला की डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो फीस हमने जमा की थी वो वापस कराई जाए। हॉस्पिटल संचालक तथा डॉक्टर बने लालू यादव और उनकी पत्नी तथा भाई आशीष यादव तथा आशा अर्चना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया के। ये जो खत्म हुई, ये आपकी कौन लगती थी, क्या घटना घटी है, पत्नी लगती थी, क्या हुआ है? उनके साथ ये हुआ था, हमने जैसे ट्रीटमेंट जैसे दूसरे अस्पताल में ले गए थे, वहाँ भी ने मना कर दिया, तो फिर ये आशा लेके आए यहाँ पर, इनने ये कहा मैं कर दूँगा तुझे, दो तीन दिन जे हमसे बोलते रहे ब्लड लाओ, तो हमने ब्लड लाएगा कुछ भी करें, ब्लड जिनने चढ़ाना शुरू कर दिया, बोले पैसे लाओ, पैसे जमा कर दिए, फिर बोले फिर पैसे लाओ, तो हमने पिताजी अपने घर भेज दिए, पिताजी घर वैसे कुछ ही करके लेके आए कचपुड़िया करके, रात में फिर जब बोले शाम को 8 बजे के बाद करेंगे हम ऑपरेशन, 8 बजे के बाद कौन डॉक्टर आया, हमको तो उन्हें भीतर जाने दिया, इनने एकदम हाथ चीर के और सी करके बंद कर दिया, बोलते हमने तो नेक टाका मारा है, पेट बहुत थका था, और जो बोले अपने ले जाएगी आगरा ले जाएगी, तो हम कहाँ ले जाएंगे बताओ, हमारी कोई डिलीवरी के लिए लेते हैं, हाँ डिलीवरी, तो क्या लग रहा है लापरवाही हुई इसको? लापरवाही नहीं हुई तो बताओ, जब तुम गारंटी ले रहे हो फिर लापरवाही, पेट भी फाड़ दिया, पेट फाड़ने के बाद बोलते आप ले जाइए, हम कहाँ ले जा सकते, कितने रुपये लिए थे इलाज के? 80,000 रुपये मांगा था सिर्फ टोटल, आधा पैसा मैं जमा कर चुका था, आधा हम की ट्रीटमेंट हमारा जब जाएगा तब हम दे देंगे। किसने सलाह दी थी इस अस्पताल में जाने की? आशा ने दी। कौन, क्या नाम है आशा का? आशा का नाम क्या है? अर्चना। अर्चना, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? तो आप सब लोग जानो क्या हम चाहें, और हम तो बहुत को अफाज हो गए, हम तो बर्बादी है गए, मतलब पैसे से भी और बात से भी, और बच्चे छोटे छोटे हम क्या करेंगे बताओ, मजदूरी करेंगे कि बच्चे पालेंगे हम? पिताजी ये जो खत्म हुई है आपकी कौन लगती थी, क्या घटना घटी है, क्या हुआ है? डॉक्टरों को दिखाने आया तो आज दिखाया, जाँचें करी कुछ हो गया। कब लेके आए थे? 28। फिर मौत तो कैसे हो गई, क्या कुछ पता चला है? मौत तो आप वीडियो देख लें तो बिल्कुल काम कर बनाए लाओ, कब ऑपरेशन हुआ था और कल से हुआ था, कल रात कर रहे थे। तो क्या लग रहा है मौत का कारण लापरवाही है? लापरवाही जब पेटी काट दिया और सी के बंद कर दिया, यानी इसमें क्या है तो बारह काम कर डॉक्टर ने एक जैसे ही खोला है जैसे बच्चा था नहीं वगैरह सिंह। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की अब कहाँ मांग करें, मेरे ख्याल से सील किया जाए, किसी और के नाम में घटाना ना हो, कराया था तो हॉस्पिटल वालों ने गारंटी ली थी, सील किया जाए किसी और के नाम में घटाना ना हो, या
तो यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? मामला अभी मेरे संज्ञान में आया हूँ, मैं सूचना पर ही मैं मौके पे आया हूँ और परिजनों के आधार पर जो इनके द्वारा शिकायत की जाएगी उस पर पूरी जांच की जाएगी। और ये हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ पंजीकृत भी है और डॉक्टर अनूप शर्मा इनके यहाँ सर्जरी करते हैं। जो भी इनके यहाँ त्रुटियाँ हुई हैं और इनकी शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी और जो भी संभव कार्रवाई होगी मैक्सिमम वो उनके ऊपर की जाएगी। क्या मौके पर कोई डॉक्टर या स्टाफ अभी मिले आपको? मौके पर अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, अभी तो हमें नहीं लग रहा है कोई यहाँ पर स्टाफ है। लगातार शहर में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी, इसको रोकते क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की? अब अभी नवीनीकरण का काम जो है समाप्त हुआ है, तो जो जिनके यहाँ कमियां थी उन कमियों को हम लोगों ने जो है पूरा नोटिस किया है और ऐसे जो अस्पताल हैं जहाँ कमियां हैं उनको हम लोग अभी सील करने की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। तो नवीनीकरण का कार्य जो था वो पूर्ण हो चुका है। जनपद में बिना मानक के कई अस्पताल संचालित हैं, क्या इन पर अभी तक कोई कार्रवाई की है? अभी तक कार्रवाई कुछ पे हुई है और इसके अलावा अभी जो है पूरा इनके नवीनीकरण की पूरी जितना हॉस्पिटल है सबके बारे में अभी हम लोगों ने पूरा वो किया है और जो मानक में नहीं है उनको बंद कराया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और सील करने का भी काम। अभी तक कितने हॉस्पिटलों पे आप लोगों ने कार्रवाई की है जिले में? अब वो ऐसे तो नाम कुछ हॉस्पिटल में कार्रवाई हुई है, उसरार में कार्रवाई हुई है, महिबा में कार्रवाई हुई है, यहाँ सदर में भी एक दो पे कार्रवाई हुई है और अब जो है बिल्कुल हम लोगों ने फिल्टर कर लिए हैं कि जहाँ जिनके मानक पूरे नहीं है उन पर कार्रवाई होने के लिए हम लोगों ने पूरी कार्रवाई तैयारी कर ली है। कार्रवाई होती है, देखा जाता है दोबारा से फिर उनके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं दूसरे नामों से, उन पर क्या? अब वो रजिस्ट्रेशन देखिए, मकान किसी किराए पर किसी दूसरे व्यक्ति ने लेके स्थान चलाया, उस पर कोई कार्रवाई अगर हुई है और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ उस मकान को किराए पर लेकर खोल रहा है और वो मानक अपने पूरे करके वहाँ पर संचालित करने का प्रयास कर रहा है तो वो व्यवस्था भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन देता है तो उन पर मतलब उनके मानक पूरे होते हैं इस बात की इंक्वायरी करता है कि नहीं? बिल्कुल इंक्वायरी की जाती है और हम लोगों के यहाँ पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसके उपरांत ही उसका स्थलीय निरीक्षण होता है, उस स्थलीय निरीक्षण में पूर्ण होने के उपरांत ही उनको जो है रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अब इस मामले में जो दोषी आते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जो अधिक से अधिक संभव होगी वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी हैं तो इनका सील होगा, FIR भी होगी।